हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 1B से क्लास 10 RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक है। रियल नंबर चैप्टर का नाम है। सबसे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन हम देखेंगे बुक से। यहाँ पे बुक में पेज नंबर 17 में ये क्वेश्चन गिवन है। RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक, रियल नंबर चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है। कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, गिव रीजंस। ठीक है, यहाँ पे HCF गिवन है 15, LCM गिवन है 175। अब हमें बताना क्या दो नंबर्स का HCF और LCM इस तरह से हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लिख लेंगे HCF 15 और LCM इज इक्वल टू 175। यहाँ पे बता रहा है कि यार दो नंबर्स का HCF 15 और LCM 175 हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, 175 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है। इस तरह से कर सकते हैं, 15 वन जा 15, यहाँ पे रिमेनिंग क्या आ गया 2 आएगा, 5 अगेन 15 वन जा 15 और रिमेनिंग आ जाएगा यहाँ पे 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं डिवाइड करने पर जो है डिवाइड जो है पूरा पूरा नहीं जा रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो LCM और HCF ये गिवन है, ये दो नंबर्स का इस प्रकार से नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो ऐसा पॉसिबल था, बट इस केस में जहाँ पे HCF 15 हो और LCM 175 हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम आंसर क्या लिख सकते हैं, नो। इसका रीज़न दे सकते हैं, सिंस नॉट 175 नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 15। ओके, इस तरह से यहाँ पे ये आंसर हम अपना दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अगेन फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई अदर क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। एंड बाय बाय एंड टेक केयर।